जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस फॉर एपीएस पर। मैं एपीएस आपका स्वागत करता हूँ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ साइंस एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड सी एम वाई स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर की लीजिएगा। और इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर आप वो वीडियोस देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमें यहाँ दे रखा है तो इसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द पार्ट ऑफ द आईज विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट इंटरिंग्स द आईज इज कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए आयरस। आयरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वेट ऑफ सन। तो वेट जो है ना सन का कितना है, तो इसके राइट आंसर है डी ऑप्शन 10^19 टन। इसका जो 29 टन इसका जो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, सारे क्वेश्चंस को लिखते जाएंगे जिससे कि आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाएं। ये क्वेश्चन एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड सी एम राइज स्कूल यानी कि उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल विद्यालय और सी एम राइज विद्यालय के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रवेश परीक्षा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो न्यूक्लियर फ्यूजन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एक्सीलेंस एंड मॉडल स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, हु एक्सप्लेन द रीजंस ऑफ सन एक्सटेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बोथ। बोथ इसका जो है ना राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, एफिशिएंसीज ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम सेमीज कंडक्टर इज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 10-18% इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, व्हेन द पावर ऑफ आइस इज इंक्रीज दस डिफेक्ट ऑफ विजन इज प्रोड्यूस्ड, दस डिफेक्ट इज नाउ एज। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शॉर्ट साइडनेस इज इसका सही आंसर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, मिल्की वे इज। तो इसका जो राइट आंसर है वन ऑफ द एंड्रोमास गैलेक्सीज ऑफ यूनिवर्स। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। आप क्वेश्चंस को सारे को लिखते जाएंगे जिससे कि आप लास्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाएं। ये क्वेश्चंस आपके 2022 एंट्रेंस एग्जाम में जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 68, डिवाइस विच कन्वर्ट टू सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये फेमस क्वेश्चन है, 2022 में जरूर आएगा ये क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सोलर सेल, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ए मैन इज सफरिंग फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस फॉर ग्रीन कलर्स, टू रिमूव दिस डिफेक्ट ही शुड यूज गूगल्स ऑफ। तो इसके राइट आंसर है ऑप्शन डी, नन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन। ओके क्वेश्चन नंबर 70, बी ऑर्बिटेंट सोलर एनर्जी। तो इसके राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, इन द फॉर्म अल्ट्रावायलेट विजुअल्स इनफ्रारेड लाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ अदर्स वेवलेंथ। इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर, इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, हवल्स लॉज स्टेट दैट द वेलोसिटीज विद द मिल्की वे इज मूविंग अवे फ्रॉम द ईयर प्रोपोर्शनल। तो इसके राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, डिस्टेंस ऑफ मिल्की वे फ्रॉम द अर्थ। इसका जो बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट तो इसका जो राइट आंसर था वो है बी ऑप्शन, डिस्टेंस ऑफ मिल्की वे फ्रॉम द लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, एनर्जी इज ऑर्बिटेंट फ्रॉम द सन इज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन इज द राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो लर्न नाउ एंड राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 73, व्हाट इज हीटेड बाय सोलर एनर्जी, बाय इज हीटेड बाय सोलर एनर्जी सॉरी ओ
वाटर इज हीटेड बाय सोलर हीटर, तो इसके राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, बाय पासिंग वाटर इन फ्लैट, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ए पेट्रोल इंजन इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, इंटरनल कम्बस्टन इंजन, इसका बी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, एनर्जी स्कार्सिटी इन द वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ, तो इसके जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, एनर्जी इज अनअवेलेबल सफिशेंट अमाउंट एंड इट्स मिस यूज इज ऑल्सो टेल प्लेसेस एंड ऑन द अदरवाइज इट इज टू एक्सपेंसिव ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 76, द ह्यूमन आई हैज ए लेंस विच हैज ए, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, बेयरिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका सी ऑप्शन जो है ना राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम दस डिफेक्ट एक्टमेस्टिज्म इट्स मीन्स रीजंस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, द कॉर्निया इज नॉट स्प्रेकल्स, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78, व्हेन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस आर सीन बाय द आई विच ऑफ द फॉलोइंग्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो इसके जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन, द इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आईज लेंस, इसका सही आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ आईज लेंस डज नॉट इंक्रीज बिहाइंड ए सर्टेन लिमिट द डिफेक्ट इन द आईज, इसका जो राइट आंसर है वही ऑप्शन ए, शॉर्ट साइडनेस, इसका सही आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर एनर्जी, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए, क्योंकि ये एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा ही क्वेश्चन देता है, हर बार दिया है यार लास्ट ईयर के एग्जामों में, तो ये जो बी ऑप्शन है मरकरी इसका सही आंसर है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएँ जिससे कि वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके, और दोस्तों भी ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कीजिएगा। अभी के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो आपके एक्सीलेंस मॉडल स्कूल एंड सीएमआर स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो सके। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।